लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, हाँ मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आपने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आपके अंकल लापता हैं? जी हाँ, कुछ पता चला उनका? जी हाँ, एक लाश मिली है। आप प्लीज पुलिस स्टेशन में आके उनकी शिनाख्त कर लीजिए। जी, मैं आती हूँ। ओके। अंकल, इनका मर्डर हुआ है। मुझे पहले ही डर था कि कहीं ये मौत के मुंह में ना चले जाए। अगर ऐसा ही हुआ, मारने वाले ने बचने की उम्मीद ही नहीं छोड़ी। मैंने बाबा को बहुत समझाया था। इनको मारने की कोई खास वजह? जाने अनजाने में बहुत से लोगों से दुश्मनी कर ली थी इन्होंने। जितने भी करीबी दोस्त थे सब आस्ते आस्ते इनसे दूर हो गए। आपको किसी पे शक? इतने सारे लोग हैं इंस्पेक्टर साहब, कि किस पे शक करूं किस पे ना करूं, मैं तो किसी को जानती भी नहीं। अगर ऐसी बात है तो हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे। कातिल को पकड़ना बहुत मुश्किल है। देखिए, जिस वक्त मैंने इनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी उसके कुछ दिन पहले से ही ये लापता थे। इस बीच हमारा कोई कांटेक्ट भी नहीं था। मैंने तो बहुत ढूंढने की भी कोशिश की थी, अगर कहीं नहीं मिले और आज मिले हैं तो इस हालत में कि देखिए मैडम, पोस्टमार्टम के बाद हम आपको फोन कर देंगे। हम तो चाहते हैं कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब आप जा सकते हैं। यही है आपके अंकल?
सचिन का मर्डर हुआ है। मैंने पापा को बहुत समझाया था। पापा? मैंने पापा कहते थे बाबा नई दुनिया में बसाने जा रही हूँ दुनिया की नजर में। असल में मैं क्या करना चाहती हूँ ये सिर्फ आप ही जानते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम ता से शादी सिर्फ चौधरी खानदान से बदला लेने के लिए कर रही हो, लेकिन जुदी शादी का गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। ये दो इंसानों की जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। देखो ता से तुम्हारी जिंदगी जुड़ी रहेगी, अभी तुम्हारे ऊपर है तुम उससे खुशियां बटोरना चाहती हो या काटे। जब अच्छा मैं सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा क्या आज हूं कल ना हूं। जिन्हें आपके भाई अली यावर जंग ने बेइज्जत करके ऑफिस से बाहर निकाला था, आज उसी बाबा की वजह से मैं यहां हूं। अब सारी कहानी समझ में आई। ये सारी की सारी आग लगाने वाला जो शख्स है वो सदाकत हुसैन है। बिल्कुल ठीक कहा बड़े अब्बू। अगर आपको ये लगता है कि आप दुनिया के सबसे अकलमंद इंसान हैं, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है? अच्छा, तब मुझे ये भी बताना होगा कि बात क्या है। बात कुछ भी हो, लगता है तुम्हें अपनी हार का एहसास होने लगा है। ये ख्वाब तो आप बहुत दिनों से देख रहे हैं। वैसे अच्छा है, अमूमन आपकी उम्र में ख्वाब आते नहीं हैं। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तुम यहां से जा सकती हो। जाएंगे तो आप, और वो भी लॉकअप में। अच्छा, तो तुम्हारा प्लान मुझे जेल भेजने का है? कोई प्लान नहीं है, ये हकीकत है। आपने कत्ल किया है। क्या? जी हाँ, और वो भी मेरे बाबा को। मैं तुम्हारे बाबा को क्यों मारूंगा? मुझे तोड़ने के लिए, मुझे बेसहारा करने के लिए। तुम तो बचपन से ही बेसहारा थे, अब ये कौन सा सहारा आ गया? पुलिस कातिल की तलाश में है और उसका पता चलते ही उसे गिरफ्तार कर लेगी। बिना सबूत बिना गवाह कानून किसी का कुछ नहीं कर सकता। हम अपने आप को होशियार समझकर कितनी भी होशियारी से कोई भी काम क्यों ना करें, कोई ना कोई बेवकूफी तो जरूर कर बैठते हैं। और इसका अंजाम क्या होता है ये हमें बाद में पता चलता है। दुश्मन अगर तुम्हारी तरह होशियार हो तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखना सिखाना तो हम बाद में करेंगे, पहले आप तैयार हो जाइए हथकड़ी पहनने के लिए। लगता है बेहोश हो गया। हाँ, तुम जल्दी से डॉक्टर मुमताज को फोन लगाओ। जा
हाँ बोलो डॉक्टर, डॉक्टर बिलाल। क्या हुआ बिलाल को? वो बेहोश हो गया है। कब हुआ ये? थोड़ी देर पहले। तुम एक मिनट, मैं आती हूँ। जी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसकी हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। हमने तो पूरी कोशिश की। अबे हमें इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। अब इसकी हालत मेरे बस में नहीं है। कौन कर रहा है? मैं। आपने इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटरी क्यों नहीं किया? ना इस बच्चे का कोई भाई है ना बहन, इसलिए मैं। ओ डॉक्टर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस केस में जरूर कुछ पॉजिटिव कर सकें। काफी वक्त निकल चुका है, बच्चा आपकी स्टेज में। अब हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कहिए। ऐसा मत कहिएगा क्या मतलब है? अब अगर हम आपको सच्चाई नहीं बताएंगे तो बाद में तो आप हमें जिम्मेदार ठहराएंगे ना। मैं जानती हूँ मुश्किल है, पर आप कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश वहां की जाती है जहां उम्मीद की कोई गुंजाइश हो, और आपके बच्चे के केस में मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। और मैं आपको कोई भी झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। डॉक्टर साहब, ये मेरा आखिरी सहारा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। इसे जो होना था वो हो चुका। आप तो पढ़ी लिखी औरत है, आप ऐसी बातें करेंगे तो हम उन लोगों को कैसे समझाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं है। जब औलाद की बात आती है तो पढ़ाई काम नहीं आती। एक माँ सिर्फ माँ और बाप सिर्फ बाप होता है। देखिए मुझे और भी पेशेंट्स को देखना है, और आपकी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैंने पहले कह दिया इस केस में और मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मेरा और अपना वक्त बर्बाद करें। I'm sorry. दुख भरी जरा जिंदगी है ये कैसी, दुख भरी जरा जिंदगी है ये कैसी, दुख भरी जरा सी जिंदगी। अभी मायूस मत हो। तो क्या करूं, खुद को संभालो
पर हिम्मत रखो। डॉक्टर शादाब, मेरे सारे हिम्मत तोड़ चुके हैं। डॉक्टर शादाब बातों से रूठ लगते हैं, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। दिल के अच्छे होते हैं तो इस तरह की बातें नहीं करते। एक्चुअली वो अमेरिका से यहाँ आए हैं, इसलिए थोड़े प्रैक्टिकल हैं। वो स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए ही यहाँ आते हैं, और वो भी खास केसेस के सिलसिले में। ये तो अच्छी बात है कि वो यहाँ है। देखो, तुम किसी भी तरह उन्हें मना लो ताकि वो बिलाल के ट्रीटमेंट के लिए राजी हो जाए। मुझे नहीं लगता वो राजी होंगे। तुम कोशिश तो करके देखो, अगर वो राजी हो जाए तो शायद बिलाल की जिंदगी बच सकती है। आप कहती हैं तो वो अपने केबिन में है। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, और बगैर मेरी परमिशन के आप अंदर कैसे आई? I'm sorry, लेकिन You are an indisciplined lady. देखिए डॉक्टर, हो सकता है मैं इस वक्त ऐसा बिहेव कर रही हूँ, और वो सिर्फ इसलिए कि ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आई कॉन्ट हेल्प इट। फिर आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज गेट आउट। जब कोई उम्मीद ही नहीं रही तो इसे यहाँ रखकर क्या फायदा? देखो, इसे घर ले जाओगी ना सही वक्त पर दवाई दे पाओगी, ना ठीक से देखभाल कर पाओगी। मेरी मानो, इसे यहीं रख दो और अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह पर भरोसा है, इसीलिए इसे यहाँ से ले जा रही हूँ। तुम यहीं रख दो इसे। ये क्या है? तुम क्या पागल हो गई हो? कहाँ ले जा रही हो इसको? ये आप क्यों जानना चाहते हैं? और आपको हक नहीं बनता ये पूछने का। माफ कीजिएगा, आपसे ज्यादा हक बनता है मेरे इस बच्चे पे। डॉक्टर का हक तब होता है जब वो जिम्मेदार होता है या फिर पेशेंट के प्रॉब्लम समझती है। आप ना तो जिम्मेदार है और ना ही मेरे प्रॉब्लम से आपको कुछ मतलब है। मुझे आपके बकवास डायलॉग सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। पहले मेरा पेशेंट है, बाद में आपका बेटा।